Now uh, this is our theme ten in class twelfth history, and this is colonialism and the countryside. Colonialism and the countryside, and this year some portion of this chapter has been deleted from your course. Okay, so uh, as far as importance is concerned, uh, is this chapter contain the different revenue system which was introduced by the Britishers after capturing the uh, the. Political and economic control in India. Okay, uh, some of uh, the major uh, things which are which we are going to study in this chapter are the uh, revenue system like ryotwadi, okay, mahalwadi. These are some system which we are going to study and also the very important uh, fifth report. Okay, so. Uh, as uh, the britishers have consolidated their bit power in india after the battle of plassey 1757 okay between the company and the uh, nawab of bengal okay after the battle of plassey they uh, got a hold in good hold in bengal then later on in 1764 आफ्टर द बैटल ऑफ़ बक्सर बैटल ऑफ़ बक्सर दे गॉट द रेवेन्यू और दीवानी दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा अब दीवानी का मतलब होता है कि आपको रेवेन्यू कलेक्शन पावर किसको मिल गई कंपनी को मिल गई ओके okay. सो so, उसके बाद वैन दे स्टार्टेड दियर अर्ली एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन दे डील्ड इट विद इन बंगॉल तो उन्होंने बंगाल में क्या था कि uh, इंडिया वॉज ऑल्सो एन एग्रीकल्चरल लैंड बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनलिज्म सो वट दे विश टू हैव दे विश टू हैव देयर इनकम ओके वो वहां से अपनी इनकम चाहते थे जहाँ उन्होंने अपना कंट्रोल uh, इस्टेब्लिश किया था ओके फॉर दिस पर्पज़ व्हाट दे डिड दे स्टार्ट दे गेट द लैंड रिवेन्यू आफ्टर दैट मीन्स जनरल रिवेन्यू पावर दिवानी जिसको मैंने कहा सेवनटीन सिक्सटी uh, uh, में उनको मिल गया था 1764 में बैटर ऑफ uh, जो बक्सर हुई उसके बाद 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा ओके देन दे फॉलो द ओल्ड सिस्टम लेटर ऑन द Thought that ki, this old system is not better for them. Okay, for this purpose, what they did, they started their own revenue collecting system okay so initial with uh, the British administrator introduced mainly two types of uh, land uh, revenue system in Bengal and uh, first one is ijaredari under uh, the governor generalship of Warren Hastings uh, he uh, was the governor general of India uh, from 1772 to uh, 1785 AD and uh, he uh, took uh, company uh, took the collection of the land revenue on its own hand company khud leti दारी में ठीक है एंड ही हैस्टिंग इंट्रोड्यूस्ड अ फाइव ईयर सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड ये जो सिस्टम है दैट वाज प्रूव्ड एज अ डिफेक्टिव सिस्टम ओके लेटर ऑन द नेक्स्ट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन 1793 वेरी इंपॉर्टेंट द 1793 सेटलमेंट दैट वाज नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट द परमानेंट सेटलमेंट एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द चार्ल्स कॉर्नवॉलिस और लॉर्ड कॉर्नवॉलिस एंड ही इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सिस्टम और इसका एक और नाम था इस्तमरारी बंदोबस्त इस्तमरारी सेटलमेंट इस्तेमरारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल बिहार उड़ीसा बनारस एंड नदन पार्ट ऑफ कर्नाटका ओके जनरली वी आर डीलिंग इन वी आर स्टडिंग अबाउट द बंगाल ओके नाउ This system uh, has different features, okay. Like uh, the Jamidari can be now uh, uh, sell, okay. And the Jamidas were given the permanent settlement was made with the Rajas and Talukdar of Bengal. Talukdar literally means one who holds a taluk, okay, or connection. ओके okay. uh, ऑन एक टेरिटोरियल यूनियट बन गया एंड इट रिकोगनाइज द जो इस तर, जो परमानेंट सेटलमेंट है इट रिकोगोगनाइज द जमींदार एज द प्रोपर राइटर ऑफ द लैंड विद परमानेंट हेरीडटरी राइट्स लैंड पे उनका परमानेंट हेरिडट्री राइट होगा द जमींदार वॉज नॉट अ लैंड ऑनर इन द व विलेज बट ऑनली अ रेवन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट ठीक है जमींदार का रोल ये हो गया एंड दे वर इंस्ट्रक्टेड टू टेन बाई टेन बाई इलेवंथ ऑफ द रेवेन्यू एंड दे कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट टू गवर्नमेंट रिटेनिंग ओनली वन ऑफ द इलेवंथ ऑफ इट विद दैम तो टेन बाई इलेवन उनको देना होता था और वन बाई इलेवन अपने पास रखना होता था और इन केस ऑफ जमींदार फेलिंग टू मेक द पेमेंट टू द स्टेट इन टाइम द गवर्नमेंट कुड सेल अ पार्ट ऑफ हिज लैंड टू रिकवर द अमाउंट ड्यू टू द स्टेट जैसे कि इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑक्शन चल रहा था बर्दवान में प्रेजेंट डे वर्धमान जो है पश्चिम बंगाल का जिला जहाँ पे जमींदारी को सेल किया उन्होंने क्योंकि वो टाइम से चुका नहीं पाते थे और बहुत सारी जो जो, जो सेलिंग ऑफ द तो जमींदारी होती थी वो फिक्टिशियस होती थी राजा अपने ही लोगों राजा मतलब जमींदार के लिए यूज होता था वो टर्म उस टाइम पे बंगाल जो पावरफुल जमी जमीदार है बंगाल में उनके लिए राजा टर्म यूज होता था तो आ, क्या होता था कि अगर रेवेन्यू नहीं चुका पाते क्योंकि इनिशियल जो परमानेंट सेटलमेंट का आ, एक ड्रॉबैक था कि इनिशियल रेवेन्यू डिमांड काफ़ी हाई थी क्योंकि कंपनी ने सोचा कि आने वाले दस साल या बीस सालों के लिए हम जमींदारी ऑप्शन कर रहे हैं तो रेवेन्यू डिमांड काफ़ी हाई रखे जिसकी वजह से रेवेन्यू अनपेड रह जाता था रेवेन्यू अनपेड रहता था तो ऑब्वियसली जमींदारी ऑप्शन होगी जमींदारी ऑक्शन हुई तो वो अपने लोगों को बिठा देते थे बोली लगाने का और कम से कम बोली में फिर वापस

that was the Jyotidars that was the Jyotidars and Jyotidars the uh, the Jyotidars had very vast area of land with them some Jyotidars had as much as several thousand एकर्स ऑफ द लैंड ओके और जमीदास ज्योतिदास का जो था जमींदारों का कनेक्शन नहीं होता था पीजियड से जोतेदारों का कनेक्शन होता था गांव के अंदर ही रहते थे और काफ़ी बड़ा उनके पास लैंड होता था और आ, लेटर ऑन क्या हुआ कि जब कंपनी ने कंट्रोल करना चाहा जमींदास को तो जमींदास हैव रजिस्ट्रेड रेजिस, अगेंस्ट दिस कंट्रोलिंग ऑन दियर राइट्स ओके एंड लेटर ऑन क्या हुआ रिपोर्ट, एक फिफ्थ रिपोर्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ओके दैन सेवरल चेंजेस व इंट्रोड्यूस इन द स्पेयर ऑफ द लैंड रिवेन्यू ड्यूरिंग नाइनटीन सेंचुरी तो फिफ्थ रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा ये उससे पहले आप हाँ देख लीजिए दिस वॉज द हाउ द पावर इन रूरल बंगाल वॉज़ दिय कंपनी सबसे टॉप पे जमींदार्स उनके नीचे रैय रैयत मीन्स फार्मर्स देन अंडर रैयत और दूसरा एक जो आप देखें हैं जोतेदार एक जो गरीब नहीं होता था सॉरी जो एक अमीर रैय था रिच रैय ओके एंड ऑल्सो ट्रेडर भी था एंड मनी लैंडर भी था और सीधे उसका कनेक्शन रैय के साथ था उसके नीचे अंडर रैय दिस वॉज एड ऑफ दैट टाइम ओके देन लेटर ऑन दिस इज़ वन महाराजा मेहताब चंद एक परमानेंट सेटलमेंट जब इम्पोज किया गया तो ये और जो ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की बात है अब फिफ्थ रिपोर्ट अब देखिए सेवरल चेंजेस वर इंट्रोड्यूस इन द स्फीयर ऑफ लैंड रिवन्यू ड्यूरिंग द नाइनटीन सेंचुरी एंड मेनी ऑफ दिस चेंजेस वज इलेबरेटली डॉक्यूमेंटेड इन फॉर्मिंगर्स रिपोर्ट सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन एटीन इट वॉज द फिफ्थ ऑफ द सीरीज ऑफ रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया अपने तरह की पांचवीं सीरीज की रिपोर्ट थी एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द फिफ्थ रिपोर्ट और फॉमिंगस फिफ्थ रिपोर्ट एंड इट हैज़ वन थाउजेंड टू पेजेस ऑफ मोर देन 800 हंड्रेड पेजेस वर अपेंडिक्स जहाँ पे अपील्स पेटिशन ऑफ जमींदार एंड रैय थी ओके और इसको प्रेजेंट करने का क्या कॉस्ट था विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन बेंगाल एंड इट्स एक्टिविटी कम अंडर क्लोज विच क्लोज वॉच एंड डिबेट इन इंग्लैंड का तो उसकी जो भी हरकतें ईस्ट इंडिया कंपनी की रहती थी वो इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल हो गई तो उस लिए ये रिपोर्ट जो है प्रजेंट की गई आप यहाँ पर दे सकते हैं फिफ्थ रिपोर्ट का एक पार्ट है जिसमें डिफरेंट थिंग्स जमा और हासिल के बारे में बताया गया जमा मतलब आ, कितना आपको असमेंट किया गया है लैंड रिवेन्यू का और हासिल मतलब कितना आप लैंड रिवेन्यू आपके यहाँ इकट्ठा हो चुका है ओके देन द नेक्स्ट थिंग वॉज अबाउट द पहाड़ियाज एंड द संथाल पहाड़ियाज एंड द संथाल यू कैन सी द हो एंड द प्लो हो एंड द प्लो कुदाल हो एंड प्लो हल तो पहाड़िया और संथाल दो ट्राइब्स थे दिअर इन अराउंड द राजमहल हिल्स द पीपल लिविंग अराउंड द राजमहल हिल्स वर नोन एज द पहाड़िया ठीक है और दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड दे यूज हो फॉर द कल्टिवेशन ओके और दूसरे अब ब्रिटिशर्स को जब लगा कि यहाँ पे जो ये जो पीपल रह रहे हैं इन फॉरेस्ट एरिया दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द रेवेन्यू तो उन्होंने क्या किया फॉरेस्ट पैकेज को क्लियर करने के लिए दूसरी ट्राइब को वहाँ लाए और वो ट्राइब थी संथाल्स की वो ट्राइब किसकी थी संथाल्स की एंड संथाल्स वर जनरली द सेटलर्स संथाल्स वर जनरली सेटलर्स ठीक है और लेटर ऑन जब उन्होंने जो पहाड़ियाँ थे लाइफ ऑफ द पहाड़िया दस वर एज हंटर शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स एंड फूड गैदरर्स और वही से उस उनका डिपेंड रहता था और फिर जो है लेटर uh, ऑन uh, जो पहाड़ियाज हैं उन्होंने भी कह रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और जो संथाल्स जिनको वो लाए थे uh, उन्होंने भी रिवोल्ट किया क्योंकि पहले तो उन्होंने उनको बिठाया सेटलमेंट करवाया फॉरेस्ट लैंड uh, को क्लियर करवाया बट लेटर ऑन संथाल्स पे ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या लगा दिए मैनी ऑफ द टैक्सेज एंड अदर दे हैव इम्पोज ओवर द संथाल्स तो संथाल्स ने भी जो है रिवॉल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड सिद्धू वॉज ऑल्सो लीडर ऑफ द संथाल रिवॉल्ट ठीक है तो संथाल रिवॉल्ट थी एजल्ट ऑफ द इस्तेमरारी सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू द संथाल इस्टार्टिड लूजिंग दियर लैंड एंड द न्यू जमींदार बिकम ओनर ऑफ दियर लैंड एंड इस्टार्ट कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू ओके एज अ रिजल्ट द संथाल इस्ट Uh, rebellion and some of the re, uh, leaders of uh, the uh, santal revolt was uh, like siddhu Kanha, okay Bhairav, these are some uh, that uh, leaders of the uh, that santal revolt okay then uh, there was also come the next topic that was uh, the uh, work of buchanan Okay, so Francis Buchanan, was a physician by profession, and he came to India and served in the Bengal Medical Service. Okay, and uh, he worked as a surgeon to the Governor General of India. And later on, what he did, he uh, surveyed this land. Okay, he surveyed that uh, in this uh, uh, the request of the government of Bengal, he surveyed the land and. Uh, account uh, he left some account which provided us very significant information about contemporary india particularly in the provinces of bengal okay so uh, your task is you have to uh, find out some uh, more information about the santhals and paharias and their problem at that time ओके okay, एंड uh, जो उसके बाद जो uh, हमने बात की थी अभी परमानेंट सेटलमेंट की देन दिस इज यू विल गो थ्रू विद द अनदर सेटलमेंट दैट वाज महलवाड़ी महलवाड़ी ओके okay, एंड रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी एंड माहवाड़ी अब मैं जनरल बताता रहा हूँ माहाल एक ग्रुप ऑफ द विलेज होता था आपने लगान मूवी अगर देखी होगी यू विल फाइंड आउट लगान में जो जिस टाइप से रेवेन्यू सिस्टम कलेक्ट हुआ था माहौलवाड़ी का एग्जाम्पल है वो ओके एंड रैयतवाड़ी में सीधे जो लगान रेवेन्यू लिया जाता था दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फार्मर्स रैय मीन्स फार्मर्स तो रैयत मीन्स पेजेंट तो ये सारे चीज़ आप यू विल गो थ्रू विद योर ओन एंड यू विल ऑल्सो फाइंड आउट द सनसेट लॉ ओके सनसेट लॉ क्या था ये भी आप पता करेंगे एंड दिस फॉर दिस ऑल फॉर दिस टाइम वी विल कंटिन्यू द दिस रिमेनिंग टॉपिक वी विल आल्सो डिस्कस द महलवाड़ी एंड रैयत सिस्टम एंड आल्सो द सनसेट लॉ विच आई एम टॉकिंग अबाउट बट दिस इज़ यूअर टास्क यू हैव टू कम्प्लीट इट एंड वन मोर थिंग यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट द डेक्कन राइट्स डेक डेक्कन में राइट्स की हुई थे और डेक्कन राइट कमीशन ने अपनी क्या रिकमेंडेशन दी थी दैट्स इट फॉर दिस टाइम गो थ्रू विद दिस चैप्टर दिस चैप्टर इज़ टेलिंग अबाउट द रेवेन्यू सिस्टम Okay, broadly uh, uh, introduced by the Britishers. That's all in this video. Thanks for watching and uh, just go through with these topics which I have uh, given you at the last. Thank you for watching. Okay.